हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, अगर आप लोग यूट्यूब पे एक वीडियो क्रिएटर हो और आपके जहन में एक सवाल आता होगा कि अगर हम अपने चैनल के वायरल वीडियोज को डिलीट कर दे तो हमारे चैनल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो दोस्तों, यहाँ पे आज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि अभी कुछ समय पहले मैंने अपने चैनल के 20 से 25 वायरल वीडियोज को डिलीट किए थे, और किस वजह से डिलीट किए थे वो सब अगर आपको देखना है तो लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी, आप जाकर उस वीडियोज को देख सकते हो। सो दोस्तों, यहाँ पे आज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, जिसमें मैं बताऊंगा कि उस समय से लेकर आज के समय तक मेरे चैनल पे क्या इफेक्ट पड़ा, मेरे ग्रोथ पे क्या इफेक्ट पड़ा, मेरे सब्सक्राइबर पे क्या इफेक्ट पड़ा, मेरे व्यूज पे क्या इफेक्ट पड़ा, ये सब कुछ मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि हमें अपने चैनल के वायरल वीडियोज को डिलीट ही क्यों करना पड़ता है, हमने इतनी मेहनत से कोई वीडियो बनाया और उसको डिलीट ही क्यों करना पड़ता है। तो इस वीडियो में सब कुछ आज क्लियर करेंगे। सो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को जेन्युइन वीडियो मिलती है। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं कि हमें चैनल पे जो है अपने वायरल वीडियो को डिलीट ही क्यों करना पड़ता है। दोस्तों, इसके पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं, कई सारे लोगों की कई मानसिकता है और उसका कई सारा रीजन हो सकता है। जैसे कि मेन रीजन दो तीन है, लेकिन कुछ ऐसे भी रीजन है कि बंदा एक नीच पे काम करता है, ठीक, अचानक से वो अपनी नीच चेंज कर देता है और वो वीडियोज वायरल हो जाता है, लेकिन वो सोचता है कि अब मैं इस नीच से उठ के इस पे नहीं आ सकता हूँ, तो चलो ये वाले वीडियोज को डिलीट कर देते हैं, वो ऐसे ही डिलीट कर देता है। कई सारे रीजन है। अगर मेन रीजन देखा जाए तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पुराना वीडियो जो है हमारा वायरल हो जाता है, लेकिन उस पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, कॉपीराइट क्लेम ना कि कॉपीराइट स्ट्राइक, कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, तो बंदे को लगता है कि भाई इसका रेवेन्यू तो किसी और के पास जा रहा है, क्यों ना चलो इसको डिलीट कर दें। वो ये नहीं देखता है कि भाई ये वायरल वीडियो है, इससे आपके चैनल पर कुछ इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन नहीं, उसका रेवेन्यू किसी और के पास जा रहा है, इसलिए वो उस वीडियोज को डिलीट कर देता है। ये भी रीजन है। अगर मैं यहाँ पे अपने रीजन की बात करूँ कि मैंने की वीडियो डिलीट किया, तो दोस्तों अगर आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो, लिंक आप लोगों को आई बटन पे मिल ही गया होगा, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ब्रीफ में आप लोगों को बताता हूँ। तो उसके पीछे का मेन रीजन ये था कि YouTube की कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस है, ठीक है, अगर आप उसको जो है इफेक्ट करते हो तो वो आपके चैनल के साथ खेल लेगा भाई, अच्छे से खेलेगा, वो आपके चैनल को टर्मिनेट कर देगा। कई सारे लोगों के चैनल यहाँ पे आज टर्मिनेट भी हो रहे हैं। दोस्तों, मैंने कुछ ऐसे ऐप बताए थे जो कि हार्मफुल नहीं थे, लेकिन YouTube की नज़र से वो हार्मफुल थे, ठीक, इसलिए मैंने उन वीडियोज़ को डिलीट कर दिया। हाँ, मेरे चैनल पे इफेक्ट पड़ा, लेकिन मेरा चैनल तो सही सलामत रहेगा, इसलिए मैंने जो है उन वीडियोज़ को डिलीट कर दिया, ठीक, जबकि उनसे किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन YouTube की नज़र से देखा जाए तो उनको दिक्कत हो रही थी, तो इसीलिए मैंने उन वीडियोज़ को डिलीट किया था। अगर आप चाहो तो वीडियोज़ को देख सकते हो, ठीक है, सो इसलिए मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया। अब दोस्तों, मेरे चैनल पे इफेक्ट क्या पड़ा उस समय से लेके आज के समय तक, दोस्तों चैनल की ग्रोथ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ चुका है। जहाँ पर मेरे जो डेली मतलब एक दिन में 5 सब्सक्राइबर 6 सब्सक्राइबर आ रहे थे, वहीं अब मुझे 5 से 6 दिन में 1 सब्सक्राइबर मिल रहा है, कभी कभी वो भी नहीं मिल रहा, ठीक है। व्यूज की बात करें तो जो उन वीडियो से व्यूज आ रहा था वो सब व्यूज चला गया मेरा, अब वही जो है जो नए वीडियो जो होते हैं उन्हीं से जो व्यूज आ रहा है वो आ रहा है, ठीक है, तो ऐसा इफेक्ट पड़ता है। आप खुद सोचो, आपका कोई वायरल वीडियो है जो लोगों को घसीट के ला रहा है, ठीक है, वही ना रहे तो कहाँ से आएंगे लोग, यूट्यूब सजेस्ट कर रहा है आपके वायरल वीडियोज को, अगर वही नहीं तो यूट्यूब सजेस्ट किसे करेगा, है ना, तो ये इफेक्ट पड़ता है आपकी ग्रोथ पे, आपकी ग्रोथ कम हो जाती है। लेकिन इससे घबराने वाली कोई बात नहीं, आप अपने मतलब जो काम कर रहे हो उस पर लगातार लगे रहो, अचानक से आपका दूसरा कोई वायरल वीडियो होगा, वीडियो जो है भी वायरल हो जाएगा, फिर से आपकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, फिर से आपके जो सब्सक्राइबर और व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें यूट्यूब का कोई खेल नहीं होता कि यूट्यूब कि आप सोचो कि मैंने वीडियो डिलीट कर दिया तो यूट्यूब मेरे चैनल को डेड कर देगा, नहीं, YouTube नहीं डेट करता है। आप अपने कंटेंट पे लगे रहो, अचानक से फिर से कोई वीडियो वायरल होगा तो फिर से जो है YouTube आपकी वीडियो को सजेस्ट करना चालू कर देगा, फिर से आपकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। केवल आपको देखना है, ये देखना है कि मतलब जो मैंने वीडियो डिलीट किया वो किस पे था, कैसे मेरा वो वीडियो वायरल हुआ था, मुझे फिर से कोई ऐसा वीडियो बनाना होगा जो मेरा चैनल मतलब फिर से वो वीडियो वायरल हो जाए, फिर से मेरे चैनल की ग्रोथ बढ़ जाए, आपको ये देखना है, वायरल वीडियो बनाना है बस, फिर से आपका चैनल उठ जाएगा, अचानक से ऐसा उठेगा कि भाई पूछो ही मत। कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपने वायरल वीडियो को डिलीट किया, आज वो जो है काफ़ी ऊंचाई पर बैठे हुए हैं, तो उससे चैनल पे कोई मतलब ये मत सोचो कि YouTube मेरे चैनल के साथ खेलेगा, भाई अब मेरा चैनल डेड हो गया, नहीं, आपके चैनल का वायरल वीडियो डिलीट हुआ जो कि लोगों को घसीट के ला रहा था, अब दूसरा कोई बंदा ढूंढना है जो लोगों को घसीट के लाए, मतलब दूसरा वायरल वीडियो बनाना है जो लोगों को घसीट के लाए, बस आपको अपने कंटेंट पे लगे रहना है, ठीक, आपको वीडियो बनाते रहना है। दोस्तों, मेरे साथ भी यही हुआ, लेकिन मैं अभी तक हार नहीं माना हूँ, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से मैं अभी तक यहाँ पे टिका हूँ और आगे भी काम करता रहूँगा, ठीक है, आप लोगों के लिए जेन्युइन वीडियो देता रहूँगा। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि अगर आप वायरल वीडियो डिलीट करते हो तो आपको मतलब थोड़ा सोच समझ के फिर से काम करना है। आपका अगर चैनल पर कुछ इफेक्ट पड़ रहा है उन वीडियोज से,
तभी जाके आप अपने चैनल के उन वीडियोज को डिलीट करो। अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो भाई मत डिलीट करो, उनको पड़ा रहने दो, चाहे आपकी रीच को भी कोई भी हो कुछ भी चेंज कर दिया हो। लेकिन अगर आपका वायरल वीडियो जो है उससे चैनल को इफेक्ट पड़ रहा है तब जाके उनको डिलीट करो, वरना उनको पड़े रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये होता है। सो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोगों को अपने चैनल के साथ क्या करना है। अगर वायरल वीडियो जो है और उसको डिलीट करना चाहते हो तो आप समझ गए होंगे कि आपको वीडियो डिलीट करना है या नहीं करना है। दोस्तों आई होप आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो, और आप लोगों के सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए वीडियो को लाइक करो। और अगर चैनल पहली बार आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को जेन्युइन वीडियो आगे भी मिलती रहेगी। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।